एक्सीलेंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 17 छात्राएं महाविद्यालय से नामांकन क्रमांक जारी होने की वजह से दुविधा में है। इन छात्राओं को साल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। छात्राओं ने नामांकन क्रमांक जारी करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। यूजी एवं पीजी की इन छात्राओं ने वर्ष 2020 से 21 में प्रवेश लिया था, लेकिन इनका नामांकन क्रमांक जारी नहीं किया गया। इन छात्राओं से परीक्षा फीस तो ऑनलाइन जमा करा ली गई थी, यह परीक्षा में भी शामिल हुई, लेकिन नामांकन क्रमांक ना होने की वजह से अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए। छात्राओं का कहना है कि नामांकन ना मिलने से ना तो उनकी पिछली साल की परीक्षा का परिणाम आ रहा है और ना ही अगली कक्षा में प्रवेश ले पा रही है। वहीं उन्होंने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षक जीएस रोहित से मामले की जांच कर नामांकन क्रमांक जारी करने व परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। साथ ही छात्र नेता विकास केसरवानी का कहना है कि एक्सीलेंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी को इस मामले से अवगत कराया था, लेकिन लंबे समय के बाद भी ध्यान नहीं दिया। वहीं छात्राओं की समस्या सामने आते ही अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षक डॉक्टर जीएस रोहित से एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने छात्राओं के सामने ही चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्राओं की समस्या का हल 2 दिन में कराए, साथ ही नामांकन क्रमांक जारी न होने में जिस भी कर्मचारी की लापरवाही है उसे तत्काल नोटिस दे व कार्यवाही करे। वही प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी का कहना है कि यह मामला उनके प्राचार्य पद पर रहने से पहले का है। उन्हें 4 अक्टूबर को ही इसका पता चला। अब तक भोपाल से लेकर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में पत्राचार किया जा चुका है। छात्राओं की समस्या का निराकरण शीघ्र हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्राओं के नामांकन का मामला है, क्या है सर ये? ये मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैंने प्राचार्य उस महाविद्यालय के प्राचार्य से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि जब विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था उस कॉलेज में, उस समय प्रवेश के समय रिपोर्टिंग ना करने के कारण उनका नामांकन नहीं भरे गए हैं। नामांकन ना भरने के कारण उनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। इस संबंध में प्राचार्य से मैंने कहा कि रिपोर्टिंग जिसने नहीं की है उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की है, कार्रवाई के दस्तावेज वो 2 दिन में मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिनने रिपोर्टिंग अगर नहीं की गई है, महाविद्यालय के जिन लोगों की गलती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु मैं विभाग को पत्र प्रेषित करूंगा। सर, ये विभागीय कार्रवाई है, छात्राओं के भविष्य का छात्राओं की खराब है। हाँ, ये जो भी वजह है, प्राचार्य की लापरवाही या उस महाविद्यालय की लापरवाही है, जो भी है ना, उसके कारण छात्राओं का भविष्य नहीं बिगड़ेगा, उसके लिए मैं विभाग में बात करता हूँ और उनके हित में जो है जो भी संभव होगा पोर्टल खुलवा के और उनकी रिपोर्टिंग प्लस एनरोलमेंट नंबर का कार्रवाई मैं करता हूँ। सर, जिला मुख्यालय में आपके बगल के कॉलेज में ये हाल है, ऐसे जिले भी और कॉलेजों में ऐसे मामले आएंगे तो फिर किस तरह से अपन करेंगे? नहीं, जिले के और कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य प्लस वहाँ का स्टाफ सजग है, इसलिए जो है अभी भी जो है प्रवेश संबंधी और विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधी जो है जिले के 19 कॉलेजों में से सिर्फ एक इसी कॉलेज में है, बाकी किसी कॉलेज में ये समस्या नहीं है, 18 कॉलेजों में ये समस्या नहीं है। थैंक यू। आपके कॉलेज में छात्राओं के नामांकन का मामला आया है, ये लगातार छात्राएं यहाँ वहाँ भटक रही हैं, मैम क्या मामला है ये और क्या किया जा रहा है? छात्राओं का जब एडमिशन हुआ था, इन छात्राओं ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके अपनी रिपोर्टिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से इनका प्रवेश जो है वो फाइनल नहीं हुआ था। ये किस समय की बात है? ये 2020 की जी के सेशन की बात है जी। तो उस वजह से इनका फाइनल नहीं हो पाया और रिपोर्टिंग नहीं हो पाई तो प्रवेश मुझे उस समय अगर इनका ये नहीं हुआ था और एडमिशन नहीं हो पाया था तो बाद में लोगों ने एग्जाम भी दिए, लगातार फीस भी भरी है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो जब एडमिशन ही नहीं हुआ तो ये फीस कैसे भर रहे थे, एग्जाम कैसे हो रहा है इनके? छात्रा हित में हमारे पूर्व प्राचार्य ने ये निर्णय लिया कि इनका अपन अभी फीस भरवा लेते हैं और प्रयास उन्होंने किए होंगे नामांकन के लिए, तो परंतु चूंकि रिपोर्टिंग नहीं हुई थी इसलिए नामांकन भी नहीं मिल पाए। अभी क्या स्थिति है? अभी भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यदि इनकी रिपोर्टिंग भोपाल से यदि पोर्टल खुलता है और रिपोर्टिंग हो पाती है तो इनका आगे का प्रवेश जारी रहेगा। अगर ये पोर्टल नहीं खुलता, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, छात्रा हित में हमारे प्राचार्य ने यह निर्णय लिया था कि इनकी ऑनलाइन मतलब जो ओपन बुक एग्जाम था उसमें ओपन बुक्स उन्होंने
ले ली थी। मैम एक बात और निकल कर सामने आ रही है, आपके यहाँ पे डिग्री कॉलेज में है सुनील श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने काफी बदतमीजी से एक लड़की से बात की, उसे अपने चेम्बर से बाहर भगा दिया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मैं उनसे जवाब तलब करूंगी। छात्रा का कहना है कि उसने उसके पूछे गए एक सवाल पर इन्होंने भड़क कर उसे बाहर भगा दिया, किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया और ये कहा गया कि ये मेरा काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ये मैं उनसे पूछूंगी कि इस तरह की स्थिति में किसकी गलती मैम सामने आ रही है और कुछ कार्रवाई वगैरह आपकी इस तरह से होगी? देखिए इस बारे में हमारी पूरी जांच चल रही है और जैसे कुछ निर्णय होगा हम आपको। थैंक यू। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।